देन इट्स पोटेंशियल। आप सबको पता है कि कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है और वो कंडक्टर किस शेप साइज का है इससे हमसे मतलब नहीं है। कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, ईपीएस होता है। हर पॉइंट पे पोटेंशियल वही होती है जो अंदर होती है। जैसे एक स्पीयर वाला आप पढ़े होंगे, अगर ये स्पीयर है मतलब सॉलिड मेटल का स्पीयर है, इससे मतलब नहीं है कि भरा हुआ या खाली है। तो इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल है, समझ रहे ना, इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल है मेटालिक कंडक्टर के केस में, उतना अंदर में भी होगा। अगर मैं इसको चार्ज देता हूँ तो चार्ज तो अंदर तो जाता नहीं है ना मेरे भाई, चार्ज तो सरफेस पे रहता। तो सरफेस पे पोटेंशियल, अगर इसकी रेडियस आर है तो सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू ओवर आर होती है, और यही पोटेंशियल सेंटर पे इनसाइड हमेशा होता है। उसी तरह से किसी भी शेप साइज का कंडक्टर है तो उसका जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है, और उस सरफेस की जो पोटेंशियल होती है उसके कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और वो सरफेस के इक्वल होता है, रिमेन सेम थ्रू आउट द सरफेस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज की प्रॉपर्टी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी से कर लो ऐसे। चलो ये कहता है इफ द डाइपोल मोमेंट पी प्लस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक